बनाया क्या आप लोग इसको? बन गया है, देखिएगा इसको, शेयर कर दीजिए अपने वाले का। बोला एक घन के छह सतह पर अलग अलग रंग है, एक दो तीन चार, ये कहां से आया समझ में आ रहा होगा? लाल के पड़ोसी पर हरा रंग नहीं है। अच्छा, लाल के पड़ोसी, अगर हम यहाँ पे लाल लिखते हैं तो लाल के पड़ोसी पे हरा नहीं है, इसका मतलब कहाँ होगा? ये समझ में आ रहा है क्या? ये चारों क्या है? पड़ोसी। और ये चारों पे नहीं है तो बचा सिर्फ ये, तो पड़ोसी पे नहीं है मतलब कहाँ पे है? अपोजिट पे। तो लाल के किसी एक अपोजिट पे क्या हो जाएगा? हरा। यानी यहाँ लाल लिखे है तो यहाँ क्या? हरा। आगे बोलता है कि पीला के पड़ोसी पर क्या है? काला। तो अगर हम पीला लिखें कहीं पे भी, क्योंकि कहीं लिखिएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, ये लाल और हरा का क्या होगा? पड़ोसी ही होगा। फर्क कब पड़ता? जब यहाँ लिखते तो लाल का पड़ोसी होता, यहाँ लिखते तो लाल का क्या होता? विपरीत होता, तो फर्क पड़ जाता। लेकिन अभी कहीं रखिएगा तो चारों का पड़ोसी ही होगा, सॉरी लाल हरा का पड़ोसी ही होगा, इसलिए आप कहीं एक सीट पे पीला रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? पीला। पीला के पड़ोसी पर काला है, तो पीला का पड़ोसी ये छोर नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है? पीला का पड़ोसी। तो कोई एक पे आप क्या रख सकते हैं? काला। तो यहां हमने क्या रख दिया? काला। आगे बोलता है कि काला के पड़ोसी पर क्या है? गुलाबी। तो काला का पड़ोसी ये वाला होगा कि नीचे वाला? यानी नीचे वाला पर क्या है? गुलाबी है। और नीचे वाले पर जब गुलाबी है तो बच गया एक सतह, उस पर क्या होगा? नीला। आपसे पूछा नीला का विपरीत क्या होगा, तो नीला का विपरीत क्या होगा? काला। क्लियर शशि जी, उसको जल्दी क्लियर कीजिए। ये एक पासे के छह फलक हैं। बोला कि ए बी के क्या है? नजदीक है। ए बी के नजदीक, नजदीक का मतलब पड़ोसी। तो आप कहीं पे भी अगर कहीं पे ए रखिए, मान लिया हमने यहाँ पे ए रखा, तो ए का पड़ोसी इसको छोड़ के चारों है। कल के क्लास में आप सीखे थे। तो इसको छोड़ के आप कहीं भी एक जगह बी रख सकते हैं, हमने यहाँ पे बी रख दिया, आप कहीं रख सकते हैं। आगे बोलता है कि बी डी के नजदीक है। बी किसके नजदीक है? तो बी डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं। और एक और लाइन है, ई डी और एफ के नजदीक है। ई किसके नजदीक है? ई नजदीक है किसके? डी और एफ के। ई नजदीक है डी एंड एफ के। और एक लाइन है कि बी नजदीक है किसके? डी के। तो बी अगर डी के नजदीक है तो एक चीज तो तय है कि डी यहां नहीं होगा। बोलिए, डी जब भी होगा तो यही तीनों में से कोई एक जगह होगा। बोलिए, और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ई जो होना चाहिए वो किसके किसके नजदीक हो जाना चाहिए? डी और एफ के। तो अगर हम यहाँ पे डी रखें, रख सकते हैं क्या? कोई डाउट है क्या? यहाँ पे अगर डी रखें तो डी और एफ दोनों के नजदीक कौन होना चाहिए? ई। तो ई, अब ई और एफ में कोई एक ही ना इस दोनों सीट पे आएगा, बोलते नहीं है। अगर आप ई को इस सीट पे लेते हैं तो फिर एफ को इस पे नहीं ले पाइएगा। एफ को यहाँ लेना होगा, तभी डी और एफ किसके नजदीक हो पाएगा? ई के। या अगर आप ई को यहां लेते हैं तो एफ को यहां नहीं लीजिएगा, या एफ को इस पे लीजिएगा तो ई यहां नहीं होगा। यानी ई एफ में कोई एक ही इस दोनों में से कोई एक पर आ पाएगा। आपको जिसको लेने का मन है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए किसको ले ले? ई को कि एफ को? ई को अगर हम यहां लिए तो एफ यहां नहीं होगा, क्योंकि फिर ई और एफ क्या हो जाएगा? अपोजिट। जबकि लाइन बोला है कि डीएफ के नजदीक क्या होना चाहिए? ई। इस चीज के लिए हमको एफ को कहां रखना होगा? यहां।
यहां एफ को रख देंगे तो आपको कल के क्लास से पता है कि ये चारों सीट इस दोनों सीट का क्या है, पड़ोसी, तो ई का पड़ोसी हो जाएगा डीएफ, और बचा हुआ सी कहां हो जाएगा, ऊपर। आपसे सवाल पूछा ए के सामने क्या है, तो ए के सामने डी। क्या क्या, अच्छा बी डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं, बी जो है, अच्छा ये वाला लाइन छूट, अब बोल रहे हैं आप लोग, पहले बोलना चाहिए था, ठीक कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। अगर ये वाला लाइन नहीं रहता, ये वाला छूट गया था, नहीं रहता तो इसका यही सॉल्यूशन होता। अब ये लाइन है, अच्छा बात है, दो सवाल आप लोग सीख जाइएगा, ठीक। बोल रहा है बी डी के नजदीक है किंतु सी के नजदीक नहीं है, तो बी अगर डी के नजदीक है सी के नहीं है तो और आसान हो गया, क्योंकि बी और सी क्या हो जाएगा, अरे भाई नजदीक नहीं है तो क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब और मामला इजी हो गया कि बी डी के नजदीक है लेकिन बी सी के नजदीक नहीं है, मतलब बी सी क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक। अब बोल रहा है कि ई डी और एफ के क्या होना चाहिए, बोलिए, डी यहां यहां कहीं दे सकते हैं आप, डी के लिए तो कोई डाउट नहीं है, बी डी के नजदीक है तो डी का नजदीक तो ये भी सीट है, ये भी सीट है, ये भी सीट है, कहीं पे आप क्या दे सकते हैं डी को, लेकिन यहां पे ये डाउट है कि अगर ई को डीएफ का नजदीकी बनाना है और डी को अगर हम यहां दे दिए तो फिर ईएफ तो नजदीक नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्या, बोलते नहीं है, अगर आप डी को यहां बैठा दीजिएगा तो ईएफ नजदीक कैसे हो पाएगा, वो तो विपरीत हो जाएगा, तो डी कहीं भी दे सकते हैं लेकिन ईएफ कहीं नहीं दे सकते हैं, और ईएफ के कारण डी तो यहां 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 कहीं हो सकता था लेकिन ईएफ के कारण डी को हमको ऊपर नीचे में से किसी एक सीट पर एडजस्ट करना होगा, और जब डी को हम ऊपर एडजस्ट कर लेंगे तो ईएफ में कोई एक यहां रख दीजिए, क्या कोई और लाइन है क्या, बी डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं, तो बी ठीक तो है, एक मिनट, बी डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं, मतलब बी सी का क्या होगा, अपोजिट होगा, तो वो तो ठीक है, बी डी के नजदीक है तो डी के नजदीक तो हम रख ही दिए हैं, ई डी और एफ दोनों के क्या है, नजदीक है, तो ई डी और एफ दोनों के नजदीक है तो डी को यहां बैठाना होगा, और डी को जब यहां बैठाएंगे तो गड़बड़ ई बीच में और डी और एफ क्या ऊपर नीचे, ई बीच में डी और एफ क्या ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा एक के सामने कौन है, तो एक के सामने क्या है, ई है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से बता दें, फिर से बता देते हैं, देखिए सिंपल तो है, पहला लाइन क्या बोला, बी डी के क्या है, नजदीक है, बी डी सॉरी ए बी के क्या है, नजदीक है, तो ए को अगर आप यहां बैठाते हैं और ए के नजदीक में बी को बैठाना है तो बी को आप इसको छोड़ के कहीं भी बैठा सकते हैं, तो आपने यहां पे बैठा दिया, फिर बोला बी डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं, तो पहले इस लाइन को देखिए, बी अगर सी के नजदीक नहीं है तो सी के क्या होगा, विपरीत, और सी के विपरीत होगा तो सी आपका यहां आ गया। अब लाइन है दो ठो, क्या क्या, एक लाइन है कि बी डी के, बी को किसके नजदीक रखना है, डी के, तो बी को अगर डी के नजदीक रखना है तो डी तो आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी, क्योंकि इस घर का ये चारों घर क्या है, पड़ोसी घर,
आगे बोला कि ई जो है वो डी और एफ दोनों के क्या है, नजदीक है। तो अब इसी तीन में डी और एफ दोनों के नजदीक करना है किसको, ई को। तो डीएफ के नजदीक ई कब होगा, जब डीएफ दोनों यहां होगा ई यहां होगा। ई को यहां रखेंगे तो इस घर का पड़ोसी घर क्या है, ये इसको छोड़ दीजिए, ये चारों घर क्या है, पड़ोसी। तो इसको अगर हम ई को यहां रखें तो डी एफ ये दोनों किसका पड़ोसी हो जाएगा, ई का। और बी के लिए जो डी का कंडीशन था, तो बी और डी वाला कंडीशन तो डी को कहीं रख दीजिएगा तो सेटिस्फाई कर ही जाना है। लेकिन अगर आप ई को नीचे रख दीजिएगा तो डी एफ में से कोई एक यहां कोई एक यहां रखिएगा तो ई और एफ तो कभी पड़ोसी नहीं हो पाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जिसके कारण आपको एफ को कहां रख, ई को कहां रखना है, बीच में, और डी एफ में अब जिसको जहां रखना है रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाला कल हो गया था, तीन नंबर हो गया था, चार नंबर देखिए दिख रहा है क्या, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है अब। थोड़ा सा जगह भी तो बचाना होगा सॉल्यूशन। देखिए बोला क्या कि एक घन के प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग है तथा अलग अलग क्या लिखा है, अंक। रंग भी है और अंक भी है, यहां बना दें, कोई दिक्कत है क्या आपको। बोला कि प्रत्येक सतह पर एक से छह तक अंक लिखा है, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना है, सात। यानी अगर ऊपर एक है तो नीचे क्या होगा, दाएं पर तीन है तो बाएं पर क्या होगा, क्लियर है। पहला लाइन, लाल और हरा पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है तो क्या होगा, तो कोई अपोजिट का पेयर होता कितना है, सात पेयर, तीने पेयर ना, एक ऊपर नीचे, एक दाएं बाएं और एक आगे। यहां पे बात करेंगे तो एक पेयर ये है, एक पेयर आपका ये है और एक पेयर ये, कॉन्सेप्ट मत भूलिए। ठीक है, तो कोई एक पेयर पे आप क्या लाल और हरा रख सकते हैं, जहां मन हो आपका, हमने ऊपर नीचे फिक्स कर दिया, कोई जरूरी नहीं है। आप यहां भी रखते तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊपर, किसी का मन किया कि हम इस दोनों पेयर पे रखें तो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन किसका पड़ोसी है और कौन किसका अपोजिट है। ठीक है, किस नाम से है, अच्छा दो मिनट रुक, बस दो मिनट का उसका जरूरत पड़ेगा। तो आगे बोलता है नीला के विपरीत पर क्या है, पांच। तो अब नीला इसी चारों में से कोई एक पे होगा, और आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि कहीं भी रखिएगा तो वो लाल और हरा का क्या होना है, फर्क कब पड़ता, जब एक जगह रखने पे क्या होता, पड़ोसी, और एक जगह रखने पे विपरीत होता। तो वहां पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है। लेकिन अभी कहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, पड़ोसी ही होगा। तो कहीं पे नीला रख दिया हमने और उसके विपरीत पर क्या लिख दिया, पांच। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब यहां पांच आया है तो यहां क्या आएगा, क्योंकि विपरीत सतह का जोड़ कितना है, सात है। ठीक है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा दे बोल दीजिए राहुल जी को। गुलाबी और अंक तीन समान सतह पर है, तो गुलाबी और तीन समान सतह पर है तो बचा हुआ दो में से कहीं एक गुलाबी होगा, बोलते नहीं है। अच्छा, ये जो चार आपने यूज करा है, एक दो तीन चार, ये चारों का ये दोनों क्या है, पड़ोसी की उल्टा, चारों का पड़ोसी है, देख लो, इसका भी पड़ोसी होगा ये और ये,
इसका भी क्यों नहीं, इसका पड़ोसी, इसका नीला का पड़ोसी, ये दोनों क्यों नहीं होगा, लाल और हरा का पड़ोसी, ये दोनों क्यों नहीं होगा, और पांच का पड़ोसी, ये दोनों क्यों नहीं होगा, चारों का पड़ोसी है। और जब चारों का पड़ोसी है ही, तो आप यहां नारंगी रखो या यहां रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, बोलते नहीं है, समझ रहे हैं क्या, फर्क कब पड़ता, जब यहां रखते तो लाल का पड़ोसी हो जाता, यहां रखते तो लाल का क्या हो जाता, अपोजिट। तो आप कहीं भी रख दीजिए, बड़ा समस्या है। ठीक, कहीं एक जगह हमने रख दिया क्या, नारंगी, और क्या बोला है, चार। अगर यहां नारंगी रख दिया हमने और चार रख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है यहां तीन होगा, बोलिए विपरीत का जोड़ कितना है, सात, आठ। अच्छा, गुलाबी और अंग तीन समान पे है, कोई दिक्कत नहीं, हम नारंगी चार पढ़ लिए, क्या है, गुलाबी तीन, तो गुलाबी और तीन, नारंगी गुलाबी हो, बात वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, गुलाबी तीन को आप कहीं भी रख सकते हैं दोनों में से। अगर यहां गुलाबी और तीन रखे तो यहां क्या होगा, चार। अब बोल रहा है नारंगी और अंक चार समान सतह पर नहीं है, तो यहां नारंगी नहीं होगा, तो नारंगी यही होगा, और यहां जब नारंगी होगा तो एक बच गया यहां पे, और बचा हुआ पर क्या होगा, पील। आगे बढ़ते हैं, पहले आगे बोला कि लाल सतह पर अंक एक नहीं है, तो अब एक और छह ही ना बच गया है, बचा हुआ एक छह दोनों में से किसी एक पर आएगा, अगर एक यहां नहीं आएगा तो एक कहां आएगा, नीचे, ऊपर क्या आएगा, छह, और यहां पे क्या हो जाएगा, पीला। क्लियर है, पहला क्वेश्चन पूछा पीला रंग वाले सतह पर कौन सा अंक है, तो पीला पर चार है, और दूसरा सवाल आपसे पूछा इसमें कि नारंगी के विपरीत क्या होगा, तो नारंगी के विपरीत क्या होगा, नीला। बोलिए कोई डाउट है, आगे बढ़े, आवाज आरा जिला का आवाज है, क्या करेगी, ज्यादा रहता ही, हाँ बोलो, कम आवाज में मजे नहीं आता, ये सात और आठ तो हम कम कर देते हैं, सात और आठ आपका छह जैसा है, बन गया है क्या, छोड़ दें, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, छह जैसा है, जैसा छह है वैसा क्या है, सात और आठ, और छह नंबर कल हम बता चुके हैं, क्लियर है क्या। तो ये था एक नंबर पार्ट, दूसरा पार्ट पे हम जाते हैं, दूसरा पार्ट है कलर करके काटने वाला। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आपको ये समझना है कि एक क्यूब को, एक बड़ा सा क्यूब दिया गया और बोला गया कि इसको काट कर छोटे छोटे घन में बदलिए। तो एक बड़ा घन अगर ये वाला है, ये क्या है, बड़ा घन, और इसको काट कर छोटा छोटा घन में बदलना है, इसको काट के छोटा छोटा घन में क्या करना है, बदलना है, समझ रहे हैं क्या। तो इस बड़े घन को अगर काट के छोटे छोटे घन में बदलना है, तो इस बड़े घन को तीन तरफ से काटना होता है, एक बार लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुदिश, एक बार चौड़ाई से, और एक बार क्या, ऊंचाई से। अब आपसे सवाल यह पूछेगा कि काटने पर कितना छोटा छोटा घन मिलेगा, एक फिगर बेस्ड और एक क्या, लैंग्वेज बेस्ड। तो कुल छोटे घनों की संख्या होगी क्या, एक्स क्यूब, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बराबर बड़े घन की भुजा और बट्टे में क्या, छोटे घन की भुजा, एक बड़े घन की भुजा बट्टा में क्या, छोटे घन की भुजा। क्या बोल रहे हैं,
पहला पॉइंट तो आप कल ही सीख लिए थे कि क्यूब के कितने डायमेंशन होंगे, तीन। और अगर एक बड़े घन को काट के छोटे छोटे घन में बदलना है तो घन को तीनों डायमेंशन से, डेट मीन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों तरफ से क्या करना होगा, काटना होगा। ठीक, अगर हम किसी चीज को एक बार काटे तो टुकड़ा कितना मिलेगा, आप दो बार काटे तो टुकड़ा कितना मिलेगा, तीन। जैसे यहां से भी काट दे, यहां से भी काट दे तो कुल कितना टुकड़ा मिलेगा, तीन। और ये जो टुकड़ा है यही होता है एक्स का क्या वैल्यू। ठीक, जैसे ये अगर आपका घन है और आपको इसको काटना है छोटे छोटे घन में, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का, और आपको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटना है, तो आप एक चाकू लिए, यहां से 1 सेंटीमीटर माप कर काट दिए, फिर 1 सेंटीमीटर माप कर काट दिए, फिर 1 सेंटीमीटर माप कर काट दिए, काटे कितना बार, तो टुकड़ा तो 4 मिल जाएगा ना, एक एक सेंटीमीटर का कितना टुकड़ा मिल गया, 4। और ये जो 4 टुकड़ा मिला यही क्या है, एक्स का वैल्यू। एक्स बराबर 4 मतलब टुकड़ा 4, और टुकड़ा 4 तो काटे कितना बार है, 3 बार। इस तरफ से कितना बार काट, क्या घन मिल गया, क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी आपने सिर्फ कितना तरफ से काटा है, एक तरफ से, और घन बनाने के लिए कितना तरफ से काटना हो, तो अब इस डायमेंशन से कट लगाएं 3 बार, इधर से भी 1 सेंटीमीटर का 4 टुकड़ा मिल गया, और जैसे ही इधर से कट लगाएंगे 3, हमारा जो मोटो था वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही तीनों डायमेंशन से कट कर दिए, ये बड़ा सा घन छोटे छोटे घनों में क्या हो गया, बदल गया। अब यहां पे एक्स का वैल्यू कितना, तो 1, 2, 3, 4 टुकड़ा, मतलब एक्स बराबर कितना, 4, और टोटल घन कितना, तो अभी आपको बताएं कि कुल छोटा घन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब, यानी 4 का क्यूब, यहाँ टोटल कितना घन होगा, 64। तो उसी तरह आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर ये फिगर देकर और आपसे पूछा टोटल कितना घन है इसमें, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है कोई एक भुजा पर, क्योंकि घन है। और आप कल भी सीखे कि घन का सभी भुजा आपस में क्या होता है, और जब घन का सारा भुजा आपस में बराबर होता है तो कोई भी साइड को लीजिएगा, कोई भी साइड को लीजिएगा, इस साइड को भी लीजिएगा तो टुकड़ा कितना मिलेगा, 3। इस साइड को भी लीजिएगा तो टुकड़ा कितना मिलेगा, 3। तो सब तरफ से तो 3 ही 3 मिलना है, तो आपको क्या करना है, कोई एक साइड को पकड़ लेना है और उस पर काउंट कर लेना है, 1, 2, 3, 3 का क्यूब कितना, तो कुल घन कितना, 27। और कहा, मान लीजिए ये घन है, मानने में क्या जा रहा है, तब तक ऑन हो जाएगा, बताइए यहां कितना घन है, घन कितना है, 216।
एक्स काउंट करना है तो एक दो तीन चार पांच छह, एक्स का क्यू कितना, एक्स बराबर छह, टोटल घन कितना 216। कोई डाउट है क्या अभी तब तक ऑन हो रहा है, कुछ और समझिए आप लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं लेयर, इसको क्या बोलते हैं, तो यहां पे कुल कितना लेयर है, समझ रहे हैं, ऊपरी लेयर पे कितना घन है, बोलिए ना जी, एक दो तीन, तीन एक तीन छह तीन नौ, ऊपरी लेयर के सरफेस पे नौ घन है, इसमें लेयर तीन है, तो एक लेयर पे अगर नौ घन तो तीन लेयर पे कितना घन, समझ रहे हैं। तो यहां पे अगर आपसे पूछा गया, दिख रहा है क्या अच्छे से, यहां पे अगर आपसे पूछा गया तो आप सिंपली क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, टुकड़ा कितना कट, टुकड़ा पांच, यानी एक्स बराबर पांच, तो टोटल घन कितना, पांच का क्यू कितना 125। कितना बार हुआ होगा, कितना तरफ से, चार एक तरफ से ना, एक दो तीन चार, चार कितना तरफ से, एक तरफ से, और घन बनाना, सब भुजा पे थोड़े टुकड़ा गिन रहे हैं, आप कितना भुजा पे गिन रहे हैं, एक सतह पर, एक भुजा बोलिए या क्या बोलिए, सतह, सतह होता कितना है, एक सतह पे अगर छह है तो इस सतह पे भी कितना होगा, पांच, ठीक तो है, इस पे अगर पांच है तो इस पे भी कितना होगा, पांच, और इस पे भी कितना होगा, पांच, सब पे कितना होगा, पांच पांच। ठीक है, तो आप जो गिन रहे हैं टुकड़ा वो एक सतह पे गिन रहे हैं, इसलिए ये कटिंग भी जो चार है ये सब का है कि एक डायमेंशन का है, एक डायमेंशन से चार, तो इस डायमेंशन से भी कितना, चार, इस डायमेंशन से भी कितना, चार। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया गया कि कुल कितनी बार काटा गया, तो आप बोलेंगे कितना बार, एक तरफ से चार बार, तो तीन तरफ से बारह बार। ठीक, आइए, एक्स बराबर बड़े घन की भुजा बट्टा में छोटे घन, एक्स टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एक्स क्यूब, और एक फॉर्मूला है कि एक्स बराबर बड़े घन की भुजा, जैसे हम अभी बोले कि ये चार सेंटीमीटर का है, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, और इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में क्या कर देना है, काट देना है, तो ये जो बड़ा वाला घन है इसका भुजा कितना है, चार, आप काट के जो छोटा वाला घन प्राप्त कीजिएगा इसका भुजा कितना है, एक, तो चार बड़ा घन का भुजा, छोटा घन का भुजा कितना, एक, चार बट्टा एक कितना, चार, यानी एक्स बराबर कितना, चार, एक्स बराबर चार, कुल घन कितना 64। तो आपसे एक सवाल किया, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को
6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में क्या करना है, विभाजित। x बराबर 5, बड़ा घन का भुजा है 30, छोटा घन का भुजा 6, बड़ा बट्टा छोटा, x बराबर कितना 5। आ x बराबर 5 तो कुल घन कितना, तो 5 का क्यूब कितना 125। बोलिए क्लियर है क्या? वो था फिगर बेस्ड और ये क्या है, लैंग्वेज बेस्ड। आपसे दो तरीके का सवाल पूछा जाएगा, एक फिगर दे देगा और पूछेगा इसमें कुल कितना छोटा घन है, और एक लैंग्वेज दे देगा और पूछेगा इसमें कुल कितना छोटा घन है। आगे बढ़े, बोला इसमें तीन टाइप है, कितना टाइप है, तीन, एक कुल छोटा घन, एक छोटे घन की भुजा और एक कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तीन में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, चौथा नहीं आ सकता, निश्चिंत रहिए। बोला 15 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने हैं, तो इसको कुल कितनी बार काटना होगा, आराम से एक्स बड़ा घन का भुजा कितना, छोटा घन का भुजा, एक्स बराबर 15/3 कितना 5, एक्स बराबर 15/3 कितना 5। अच्छा ये एक्स जो मिला ये टुकड़ा मिला कि कट मिला, एक्स का वैल्यू क्या होता है, टुकड़ा, तो ये 5 आपको टुकड़ा मिला, और 5 टुकड़ा प्राप्त करने के लिए आप काटे होंगे कितना बार, 4 बार, बोलते नहीं, टुकड़ा से एक क्या होता है, कटिंग, काटेंगे 4 बार तो टुकड़ा 5 मिल जाएगा, यानी टुकड़ा 5 मिला है तो काटे कितना बार है, 4, कितना डायमेंशन से, आप लोग टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन बैच के नहीं है कि हम आपको इतना प्यार से समझाएंगे, यहां तक पहुंचने में फाउंडेशन बैच में हमको 6-7 क्लास लग जाता है, कल हम आपका क्यूब डाइस फिनिश करेंगे, ठीक है, फाउंडेशन में 15 क्लास का टॉपिक है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टारगेट वाला बिहेव कीजिए। क्या कुछ लोग तो फाउंडेशन के बैठे हुए हैं, क्या गलत बोल रहे हैं क्या, 15-17 क्लास में भी पता नहीं चलता है कि खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चलिए देखिए, तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, टुकड़ा क्या है, 4, सॉरी कटिंग कितना है, 4, तो ये 4 एक तरफ से ना, अभी तो इसके पहले वाले सवाल में समझाए हैं, और घन प्राप्त करने के लिए आपको एक तरफ से काटना है कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से नहीं, कितना तरफ से, तीनों तरफ से, ठीक है, कोई बात नहीं, और एक तरफ से अगर 4 बार काटे हैं तो 3 तरफ से कितना बार, तो कुल कटिंग क्या होगा, कुल कटिंग 4 × 3 कितना, 12, ठीक है, उस एग्जाम में तो ये सब ऐसे ही बन जाता है, 15/3 5, 5 का मतलब टुकड़ा 5, कटिंग 4, और कटिंग 4 एक तरफ से तो 3 तरफ से 4 × 3 = 12, क्या बोलिए। अगला सवाल, उम्मीद करते हैं कि ये आप सही बनाएंगे, 24 सेंटीमीटर के ठोस घन से 6 सेंटीमीटर, तो पहले 24/6 टुकड़ा कितना 4, बड़ा घन 24, छोटा घन का भुजा 6, 24/6, 4, यानी 1/4 मतलब टुकड़ा कितना 4, और टुकड़ा 4 तो कटिंग कितना तरफ से, तो 3 तरफ से, कुल कटिंग कितना हो जाएगा 9। आगे 32 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 512 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, कहने का अर्थ ये हुआ कि हम एक बड़ा घन दिए आपको और आप जब इसको छोटा छोटा घन में काटे तो कितना टुकड़ा मिला, ऐसा ऐसा 512 पीस मिला, तो ये जो कुल छोटा घन 512 है इसका मतलब है कि एक्स क्यू का वैल्यू 512, कुल छोटा घन,
तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक क्लियर। एक्स बराबर आपको पता है, और आपसे सवाल क्या पूछा तो बताइए कि ये बड़ा घन का भुजा अगर 8 है तो ये छोटा वाला जो आप निकाले जिसका 512 पीस निकाले, इस एक पीस के भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको क्या करना होगा, समझ में आ रहा है क्या, एक्स बराबर बड़े घन की भुजा यानी कि 32 बट्टा में छोटा घन का भुजा निकालना है। एक्स का वैल्यू 8 बराबर 32 बट्टा वाट, तो वाट बराबर कितना, 4। क्लियर है क्या, ठीक। तो ये हो गया आपको काउंटिंग पे क्वेश्चन। ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम है, ठीक। अब सोचिएगा कि एनी टाइम हम कमेंटे पढ़ते रहे तो कैसे पॉसिबल है, 70 दिन में बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग नाराज नहीं होइएगा, हम देख ले रहे हैं बट रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और कर पाएंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये घन है, इसको 6 तरफ से पेंट करना है और पेंट करके क्या करना है, काटना है। अगर 6 सतह को पेंट कर दिया जाए और पेंट करके काटा जाए तो आपसे पूछा जाएगा कितना घन ऐसा होगा जिसका 3 सतह क्या होगा, कितना ऐसा होगा जिसका 2 रंगीन होगा, कितना ऐसा होगा जिसका 1, कितना ऐसा होगा जिसका 0। तो जब आप 6 तरफ से पेंट करेंगे और पेंट करने के बाद काटेंगे तो आप तो ऐसे कलर किए, ऐसा तो नहीं है कि इसको चीर दिए और फिर इसमें अंदर कलर डाल रहे हैं। तो जब आप ऐसे कलर किए 6 सतह को तो आप ये कोना वाला घन जब निकालिएगा तो इसका मैक्सिमम कितना सतह रंगीन, 3 ना, एक इधर से रंग चढ़ेगा, एक इधर से और एक इधर से, बाकी 3 सतह क्या होगा, खाली। तो मैक्सिमम कितना सतह रंगीन मिलेगा, 4 सतह कभी मिल सकता है क्या। अच्छा 3 सतह रंगीन किसका मिलेगा, कॉर्नर का, ठीक। एज ये वाला घन जो होगा, पहले तो आप ये समझिए, थोड़ा सा हम टाइम और ले ही ले। अगर ये घन है ये घन है, कितना बाई कितना का है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, 4, तो इसमें लेयर कितना होगा, लेयर कितना होगा, जितना एक्स का वैल्यू उतना लेयर, ठीक है, लेयर समझ रहे ना। इसमें 3 लेयर है क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू कितना है, 3। अगर हम ये दोनों को मर्ज कर दें, हालांकि ये घन बनेगा नहीं लेकिन आपको मान लेना है कि ये घन है, अब इसमें कितना लेयर है, कितना, 6, समझ रहे हैं क्या, कुल कितना लेयर है, 6, ठीक। इसमें अगर हम सिर्फ ऊपरी लेयर का बात करें, सिर्फ किस लेयर का, ऊपरी, ठीक, तो ऊपर वाले लेयर में ये वाला जो घन है ये कहां का घन होगा, कॉर्नर का कि एज का। आप कल सीखे थे, ठीक से बैठिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है और ये क्या है, तो एज तो यहां से यहां तक है, नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला घन जो काउंट होगा वो कॉर्नर का घन काउंट होगा कि एज का, कॉर्नर का, ये भी कहां का, और ऊपरी लेयर में,
मामला बदल जाता है, उतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये कहां का घन काउंट होगा, ये पूरा एज है लेकिन ये घन कहां का काउंट होगा, ये कहां का, और कॉर्नर आने के बाद ये जो दोनों बच गया ये कहां का घन है, एज का, ये कहां का, ये कॉर्नर हटाने के बाद ये जो बच गया एज, ये और ऊपरी लेयर पे अगर आपने कॉर्नर और एज को साइड कर दिया, कॉर्नर और एज को साइड, चारों तरफ घूम गए गोल, चारों तरफ घूम गए तो कॉर्नर एज साइड हो गया, और कॉर्नर एज साइड करने के बाद ये जो बच गया ये कहां का घन कहलाता है, सर समझ रहे हैं, ठीक गुड, ये सरफेस का घन है। तो ये जो कॉर्नर, कॉर्नर तीन ही चीज होता है, कॉर्नर सरफेस एज और एक कोर, चार चीज होता है, कॉर्नर सरफेस एज और कोर। कोर क्या होता है, इनर सरफेस क्यूब, ये ऊपरी लेयर में जो सरफेस वाला घन है और निचली लेयर में जो सरफेस वाला घन है, इसके ठीक नीचे वाले लेयर में जो घन है, किसके नीचे वाले में, ऊपरी लेयर के सरफेस के नीचे का घन, ऊपरी लेयर के सरफेस के नीचे का घन, इसको कितना भी प्रयास कर लीजिए ये दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा नहीं वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्रीय घन, क्या, कोर, ठीक। तो आपको हमने ये बताया कि आपका ये कॉर्नर है, सरफेस है, एज है और कोर है। ये कॉर्नर वाला जो घन होगा, जब छवो सतह रंगीन होगा तो कॉर्नर वाला जो घन होगा इसका मैक्सिमम कितना रंगीन होगा, अच्छा कॉर्नर कितना सतह से जुड़ा होता है, कल पढ़े थे क्या, जब ये तीन सतह से जुड़ा होता है तो इसका चार रंगीन कैसे हो जाएगा। एज कितना सतह से जुड़ा होता है, एज कितना, एक से, एज कितना सतह से, दो, इसलिए जब एज वाला घन निकालिएगा तो चूंकि ये दो ही सतह से जुड़ा ही हुआ है, इसलिए ना इसके अंदर यहां रंग जाएगा, ना इधर रंग जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, इसका सिर्फ कितना सतह रंगीन हो, तब, जब सभी छह सतह रंगीन हो तब, सरफेस का एक, कोर का जीरो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी घन का सभी छह सतह रंगीन हो तो तीन सतह रंगीन कहां से मिलेगा, कब, ये एकदम ध्यान रखना है, इसको मत भूलिएगा, जब छवो का छवो रंगीन हो तब, तीन सतह रंगीन कहां से, दो सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, आ जीरो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन कॉर्नर से, जिसका निकालने का फॉर्मूला होगा x माइनस टू पे पावर जीरो गुना आठ, ठीक है, सारा लिखा हुआ है, तीन सतह रंगीन कॉर्नर से मिलेगा जिसका फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस टू पे पावर जीरो इंटू एट, दो सतह रंगीन कहां से, एज से, फॉर्मूला x माइनस टू पे पावर वन गुना बारह, एक सतह रंगीन कहां से, फॉर्मूला x माइनस टू का स्क्वायर इंटू से, और जीरो सतह रंगीन कहां से, फॉर्मूला x माइनस टू पे पावर तीन गुना एक, याद रहेगा क्या, x माइन, सुनिए हम क्लियर ही कर देते हैं, तीन सतह रंगीन कहां से, x माइनस टू याद रहेगा क्या, कॉर्नर एज सरफेस कोर, जीरो से स्टार्ट करना है, पावर जीरो एक दो तीन, एक्स माइनस टू याद रखना है, ठीक है, पहले कॉर्नर, तो कॉर्नर में पावर क्या होगा, जीरो, आ कॉर्नर होता कितना है, हाँ तो गुना कर दीजिएगा कितना से, आठ से, फिर एज,
कॉर्नर के बाद बारी किसका है, एज। तो एज पे एक्स माइनस टू सेम रहेगा, पावर जीरो से क्या हो जाएगा एक, एज होता कितना है तो गुना कर दीजिए 12 से, ठीक है। फिर तीसरा बारी है सरफेस का, तो एक्स माइनस टू सेम रहेगा, पावर जीरो वन हो गया तो अब क्या आएगा टू, आ सरफेस होता कितना है तो गुना कितना से छे से, और कोर क्या एक्स माइनस टू पे पावर वन, आ कोर एक होता है तो सॉरी तीन, जीरो वन टू थ्री, क्लियर। एक से चार अभी हम बचाते हैं, पहला सवाल आप दिख रहा है क्या, रेडी हैं आप लोग, एक से चार आप कर लीजिएगा, ठीक है। 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है, छओ रंगीन है कि नहीं है, समझ रहे हैं जी, सब पीला मतलब छओ रंगीन। और फिर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बड़ा घन का भुजा, छोटा घन का भुजा, एक्स का वैल्यू, क्लियर है क्या। अच्छा तीनों फलक रंगा हुआ हो तू तो 8 हमेशा होगा क्या, क्यों तीन फलक रंगा हुआ तो कुछ करना कहाँ है, सीधा 8 मारिए ना, क्यों, क्योंकि अगर आपका एक्स का वैल्यू 10 आया है तो एक्स माइनस टू का मतलब 10 माइनस टू, इस पर जैसे ही पावर जीरो चढ़ाएंगे इसका वैल्यू क्या कर देगा, वन, वन गुना 8 कितना 8, बोलिए हो जाएगा क्या, आगे बढ़े। एक इस सब पे जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 2010-12 के बाद सीजीएल में सीधा 22 में इस तरह का क्वेश्चन दिखा, हम कल भी बोले थे कि 12 से 18 17 तक जो एग्जाम हुआ एसएससी का उसमें दमे कहाँ था, उधर पहले ठीक था अब इधर 18-19 से ठीक ठीक सवाल आ रहा है ढंग का, और अब तो और ढंग का आने वाला है, पढ़ना होगा। 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है, सब रंगीन है बोलते नहीं है, अरे समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। आप फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, बड़ा घन का भुजा, छोटा घन का भुजा, एक्स का वैल्यू 125 बट्टा 25 कितना 5, क्लियर है। तो एक्स का वैल्यू आ गया कितना 5, और आपसे पूछा है दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन कहां से, अरे दो सतह रंगीन कहां से, एज निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस टू पे पावर वन आ गुना कितना 12 कितना, हाँ कम से कम दो फलक, अच्छा ठीक है, कम से कम दो का मतलब दो भी और तीन भी, ये कम से कम दो का मतलब समझते हैं क्या कि नहीं समझते हैं, कम से कम दो का मतलब क्या हुआ, दो भी और दो से ज्यादा, लेकिन चार नहीं लेंगे क्योंकि चार तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम कितना मिलेगा कहां से, काटने पर चार सतह रंगीन कभी मिल सकता है क्या, जब मिलेगा तो कितना तीन, कहां से कॉर्नर से, चार कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कम से कम दो, दो से कम नहीं, दो या दो से ज्यादा, तो आपको इसमें दो सतह रंगीन भी लेना है और तीन सतह, तीन सतह का जवाब आप जानते हैं ऑलवेज कितना 8, पावर जीरो, समझ रहे हैं क्या, भावनाओं को समझिए, एक्स माइनस टू पे पावर जीरो, वन, वन गुना 8 क्या 8, तो तीन सतह रंगीन ऑलवेज कितना 8, तो ये एक्स माइनस टू पे पावर वन गुना 12 कितना 36, आ प्लस कितना 8 कितना 44,
किसी को डाउट होगा तो बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा टाइम हो गया तो घर जाके कीजिएगा क्या, यहाँ तो कुछ पढ़ रहा है। अच्छा दो मिनट बस, लास्ट इसको छोड़ रहा है। 49 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी चेहरों पर बैगनी रंग से रंगा जाता है, ठीक है बोला, और प्रत्येक को 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो बड़ा भुजा कितना, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, मतलब बड़ा भुजा कितना 49 और छोटा भुजा 7, 49/7 एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू जब 7 हुआ, ठीक है, तो आपको बताना है क्या एक चेहरे को चित्रित करने वाले, मतलब एक सतह रंगीन का फॉर्मूला है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला रट लीजिएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर गुना 6 यानी 25 गुना 6 कितना 150, ठीक है। तो इसमें जितना है बन जाएगा क्या, तो कल हम लोग की वर्ड और डाइस पर क्या कर देंगे, कहानी को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम, यूट्यूब पे जो भी लोग लाइव हैं, कोई डाउट है तो बोलिए, कर सकता हूं। टेलीग्राम पे कल भी पीडीएफ डाल दिए थे, आज भी डाल देंगे, क्या दिक्कत, बोलिएगा तो हम सॉल्यूशन भी बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई डाउट,